हेलो दोस्तों नमस्ते। आज हम आपको एक नए टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें आप खुद का पीडीएफ फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ये टॉपिक उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होंगे जिनका टीचिंग लाइन का काम हो या किसी को अपने नोट्स बनाने हो जिसमें एक साथ आपको पढ़ने को मिल जाए। तो चलिए इसी टॉपिक पर आज बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना होगा। तो चलिए हम यहाँ से सिंपल प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर प्ले स्टोर में आपको सिंपल टाइप करना है एडोब। उसके बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट में आपको इस तरह का लोगो ध्यान से देख लीजिए, इस टाइप के लोगो आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैं पहले से इंस्टॉल करके रखा हूँ तो यहाँ से मैं सिंपल ओपन करूँगा। तो चलिए ओपन करके देख लेते हैं। ओपन करने के बाद आपका ये इंटरफेस आएगा, आपका पूरा प्लेन आएगा। हमें पहले से कुछ ओपन करके रखे थे इसलिए ये सब दिख रहा है आपको। तो आपको पूरा प्लेन आएगा। तो आपको सिंपल यहाँ पर टॉप में देखिए होम का बटन है जिसमें 3 डॉट्स हैं, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ नीचे बिल्कुल नीचे में आ जाना है और स्कैन पर क्लिक कर देना है। स्कैन पर क्लिक करते ही आपको इस टाइप का लोगो आएगा जिस पर आपको नोट 9 पे क्लिक करना है। नोट 9 पे क्लिक करते हैं आपको इस टाइप से लोगो कैमरा ओपन हो जाएगा। कैमरा ओपन करने के बाद आपको सिंपल यहां से इस टाइप से आपको जिसका क्रिएट करना हो पीडीएफ है उस पर आपको इस तरह से कैमरा को ले जाना है और यहां पे क्लिक कर दीजिए फ़ोटो को। जिस तरह से आप फोटो क्लिक करते हैं उस तरह से फ़ोटो यहाँ से खींच लीजिए। चलिए हम आपको खींच के दिखाते हैं। ये एक फ़ोटो हो गया, चलिए दूसरा देख लेते हैं। इस तरह से आप बहुत सारे पेज एक बार में आप खींच करके किसी को मेल कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। और इस टाइप से पीडीएफ फाइल बनाने के बाद आपको एक ही बार में आपको बहुत सारी चीज़ पढ़ने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप ये हो गया, 3 पेज हो गया। चलिए एक चौथा भी ले लेते हैं। ये चार पेज लेने के बाद हम आपको यहाँ से दिखाने वाले हैं कि पीडीएफ फाइल कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपल सेव पीडीएफ पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, आपको किस कलर में चाहिए, ओरिजिनल फ़ोटो में चाहिए या ऑटो कलर में चाहिए। तो अक्सर बाय डिफ़ॉल्ट ही सेटिंग रहने दीजिए ऑटो कलर में और यहां से आप सेव पीडीएफ पे क्लिक कर दीजिए। सेव पीडीएफ पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पर लिख दीजिए, नीचे में देखिए ऑप्शन है आई एम डन, इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपका पीडीएफ तैयार है। अब ये फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, थर्ड और फोर्थ, इस तरह से आप बहुत सारे पेज को एक बार में क्लिक करके पीडीएफ फाइल खुद का क्रिएट कर सकते हैं और एक साथ पढ़ने को मिल जाएगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। धन्यवाद।